हाय गाइस, रोनवर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो मेरी एक बात है ना, जो मेरे बहुत ही करीब दोस्तों को पता है कि मुझे लेट होना पसंद नहीं है। कहीं भी अगर मुझे जाना है, कहीं काम पे जाना है, तो मुझे लेट होना पसंद नहीं। इसीलिए आज मैं भूखे पेट जा रहा हूँ और वापस आज बाहर ही खाया जाएगा। आज मैं किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो आपको अभी बताता हूँ। वो एक्चुअली मैं इंडिया में ये वाला रिवाज मैंने नहीं सुना था ज़्यादा, बट वहाँ पर भी होता होगा। जब जहाँ पर मैं पला पड़ा हूँ वहाँ पर ये वाला रिवाज ज़्यादा नहीं होता था, स्वीट 16 वाला रिवाज। स्वीट 16 यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं लोग। बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और कितने तो फंक्शंस ऐसे होते हैं ना कि अच्छी अच्छी शादियाँ वैसी होती हैं जिस इतने धूमधाम से वो लोग स्वीट 16 सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे ही आज मैं जा रहा हूँ एक स्वीट 16 फ़ोटोशूट करने के लिए। आप राजा को तो जानते ही हैं, माही को भी जानते हैं। माही की कोई जान पहचान वाले हैं, उनकी बेटी हैं जो कि 16 साल की हुई हैं या होने वाली हैं। उनका आज स्वीट 16 का ये फ़ोटोशूट है। और मौसम आज एक्चुअली में फ़ोटोशूट के लिए अच्छा है। मैं जा रहा हूँ ब्रांच ब्रूक पार्क, जो कि न्यूयॉर्क में आता है। वहाँ पर चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है और वहाँ के पेड़ है जो फूलों से एकदम लबलबा रहे हैं। तो वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों को चेरी ब्लॉसम भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है यहाँ पर। यहाँ पर वाशिंगटन डीसी जैसा, वाशिंगटन डीसी का चेरी ब्लॉसम भी इंजॉय किया था मैंने एक टाइम पे। स्मृति थी, हिरेन था, रेशमा, पल्लवी थी, नहीं पता नहीं, शायद जिगिशा थी, हाँ शायद जिगिशा थी। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ जाके बहुत मज़ा किया था। तो लेकिन आज तो मैं अकेला जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, व्लॉग बनाने नहीं वाला था, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को चेरी ब्लॉसम भी दिखा दूंगा, ये मेरा जो डेली का जो सिलसिला है वो कैसा चल रहा है। भाई न्यू जर्सी में कुछ ऐसी ऐसी जगह है ना जो कि इंडिया को भी फेल कर देती है। श्री डोसा पैलेस, बाहर बैठ के डोसा एंजॉय कर रहे हैं। देखो भाई, जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं, मैंने आप लोग को बोला था, बड़े प्यार से बोला था कि जाओ इंस्टाग्राम पे आरवी फैमिली डालो, नहीं डाला, बहुत कम लोगों ने डाला। जाओ इंस्टाग्राम पे हार्ट डालो, इस वीडियो पे नहीं जा सकते इंस्टाग्राम पे, इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा 1000 कॉमेंट्स चाहिए मुझे। अब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं किए 1000 कॉमेंट्स, फिर आप लोगों का एंटरटेनमेंट का सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर वो जो मोटिवेशन है मेरी नहीं रहेगी। आप लोग मेरे लिए इतना नहीं करोगे तो मैं भी आप लोग के लिए नहीं करूँगा। ओके, सो प्लीज़ कॉमेंट करना और बहुत सारा प्यार दिखाना, बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ इस तरह से, तो जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मोटिवेशन मिलती है कि चलो कैमरा उठाते हैं, ब्लॉग करते हैं। और एक्चुअली में आज अच्छा मौसम है यार, सुबह जब उठा था तो 5 डिग्री था, लेट उठा, 9 बजे उठा, तो 5 सेल्सियस था, रात को कम हो जाता है। और अभी है 11 सेल्सियस, तो अभी मौसम तो बढ़िया है। आई थिंक सनसेट होगा अराउंड 7 बजे। अभी मज़ा आता है यार, समर का टाइम आता है ना, सनसेट लेट होता है ना, तो दिन लंबे होते ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है दिन में। विंटर के टाइम पे यार कभी कभी 4 बजे रात हो जाती है यार, एकदम मूड ख़राब हो जाता है मूड। तो आदमी जब तक होश में आता है व्लॉग करने के, तब तक तो अंधेरा हो जाता है, तो व्लॉग करने का मज़ा नहीं आता। हाँ, ज़्यादा मोटिवेशन रहती है तो करने को और मज़ा आता है। धोखा होने वाला है क्योंकि ये तो पूरा जगह देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर कौन सा चेरी ब्लॉसम आप लोग को अच्छा दिखेगा, कौन सी पार्क है यहाँ पर बीच में, सिटी के बीचों बीच में एक पार्क है और पार्क में चेरी ब्लॉसम होंगे। मुझे थोड़ा फ्लॉप लग रहा है, बट फिर भी जाके चेक तो करना पड़ेगा।
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये है धोखा देने वाली पुलिस, देखो। कुछ ऐसी जगह रहती है ना जहाँ आपको गाड़ी पार्क करने में बहुत डर लगता है, वैसी ही जगह है ये। ये आई एम नियर द ड्वाइट प्लाजा। या Cars are parked. Uh-huh. You're gonna take a left right here. Okay. And we can park on the edge, and then they can take pictures. Okay. दिख रहा है अंदर जाने का रास्ता, दिख रहा है आपको? यहाँ से लेफ्ट तो जा ही सकते हैं। अच्छा। वो हम जब आए थे ना, तो वहाँ पे भी बहुत लाइन लगी थी। कहाँ से आए हैं इतने लोग? I know. I think so. ये वीक और next weekend, दो ही weekend होता है। Cherry blossom का। हाँ, इसीलिए। उसके बाद खत्म हो जाते हैं ये। वहाँ दिख रही है एक parking, ये रही। यहाँ पर पिछले कुछ डेढ़ घंटे से घूम रहे हैं। फास्ट फास्ट, एवरीथिंग हैज टू बी फास्टर। लेट देम गो फर्स्ट। माय गॉड, जस्ट बी केयरफुल, जस्ट गो। देखो भाई कौन हटा दिया है, और कौन हटाने के बाद अभी हम लोग अंदर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ा होशियारी से पार्क करना पड़ेगा। चोरी से यहाँ घुसे हुए जाने देने तो कोई और पकड़ लेगा। ये लगा दो, ये वहाँ पर आगे गाड़ी पार्क है। नहीं, यहाँ नहीं, आगे आगे, इसके आगे ही है। और चेरी ब्लॉसम है, और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर हंट है। ये देखो, दैट इज अ रीजन। तो भाई ऐसा यहाँ पर चेरी ब्लॉसम का मौसम हुआ है, बहुत सारे लोग है यार ये पार्क में। ओह माय गॉड, या वी कैन डू दैट, बट यहाँ से लोग हटने चाहिए ना। यहाँ लोग हटेंगे तो फिर मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। यहाँ बहुत लोग है। भाई हम लोगों ने प्लान किया था शूट इस हिसाब से कि ठंड जा रही है तब शूट कर पाएंगे अच्छे से, बट क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा ठंड अचानक से हो गई है ना कि शूट कर ही नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ जा रहे हैं लोग। इमेजिन कर लो कि मतलब पूरा पार्क है ना ये लोगों से भरा पड़ा है। कहाँ गए हमारे लोग, कहाँ गए इनके साथ शूट कर रहा हूँ। Think about the shoot today. Tiring, my feet hurt. How cold is it? Like freezing. Finally, हम लोग यहाँ से पैकअप करके जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। दूसरा एक कॉस्ट्यूम चेंज करना था, बट अभी दम नहीं है। लोग अभी भी बहुत है यहाँ पर पार्क में। चेरी ब्लॉसम अमेरिकन लोग कम और इंडियन लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। गुजराती लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। शूटिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स माई? लाइक 3-4-5-6 3 आवर्स इन द कोल्ड। वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। मैं खाता हूँ इंडियन फूड, बट घर पे तो इंडियन ही खाना है ना, तो बाहर जाते तो बाहर का कुछ खाते। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो माइक में पूछ रही थी कि क्या खाना है। मैं बोला यार इंडियन नहीं। बोलते यार इंडियन नहीं। मैं बोला नहीं यार घर। राइट, बहुत लड़कियां देखी हैं गाड़ी चलाती, बट आपको सल्यूट है मेरा, आप अच्छे अच्छे लड़कों को हरा देंगे। नो माई अन पीछे डर रही है आपसे। Okay, Mahi, where we going on a highway or somewhere, in any local road? Anji. You are scared sitting next to me when I'm driving? Achha. I can close my eyes. I have my feet up, I'm watching TikTok.
नहीं आप जिस तरह से गाड़ी चला रहे थे ना, इनफैक्ट आई विल टेल यू, मैं भी उतने डेयरिंग से नहीं चलाऊंगा। अच्छा। जिस तरह से आपने टर्न वगैरह लिए थे, मैं भी चलाता हूँ गाड़ी, बट आज एंड यू हैव डन एन ऑसम जॉब विद दैट कोन। If it is, you know, if you were not there today, yeah, the shoot was not possible. Around and round, yeah. Finally, we some place to eat. यहाँ कुछ खाते हैं. अच्छी है लेकिन थैंक यू सो मच, रिजर्वेशन नहीं है। इटालियन जगह में तो हम लोग को जगह नहीं मिली, तो यहाँ पर एक डाइनर है जहाँ पर मैं पहले भी आया हूँ, यहीं पर ही आके कुछ खाते हैं और फिर घर को जाते हैं। 7 बजे का डिनर टाइम हो गया। एक बार पहले भी यहाँ मैं आया हूँ, खाना यहाँ का इतना लाजवाब है ना कि आपको बोल नहीं सकता, मतलब खा के बताऊंगा। जाके देखता हूँ कि इन लोगों के पास टेबल है क्या। यहाँ पर भी वेटिंग लग रही है यार, क्या कर रहे हैं यार। You said 45 minutes, right? Let's go. Okay, एक भी जगह खाली नहीं है, सारा रेस्टोरेंट फुल है। तो हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया था यहाँ वेट करने का। हम लोग रुके, 45 मिनट्स का वेट टाइम था, बट बड़ी पार्टी यहाँ से निकल गई फटाफट। तो अभी हम लोग को टेबल मिल गया, खाते हैं। जब मैं निकला था तब मैंने आप लोग को बोला था कि खाना खाऊंगा जाते जाते, पर तब से मैंने कुछ खाया नहीं। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो सुबह को सिर्फ नाश्ता ही किया था। आसिर गो 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 दावे, यहाँ पर आकर भी दाल खा रहे हैं। क्या ये दाल असरी? दस मूंग की दाल, मूंग भैया, मूंग की दाल। इसको ज्यादा भूख लगती है उसका ही नसीब है, देखो सबको खाना है। ये आपका खाना राइट, ये आपका, इनका सबका खाना आ गया, ये आपका है, आप अपने पास रखो, मेरे पता नहीं कब आएगा। ये वेजी पैटीज राइट, ला ला भाई ले आ, थैंक यू। नहीं अभी भी नहीं, मेरा भी स्टिल रियली भाई, ये खाली है। फाइनली बहुत खाना खाया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए थैंक यू सो मच।